Hi everyone, Reema here and welcome back to my channel. Today's topic is most wanted topic, which is foods that will never make you fat. Yes, you heard it right. तो आज मैं आपके साथ 15 ऐसे food के बारे में discuss करने जा रही हूँ जो आप जितना मर्जी खा सकते हो आपको वो नुकसान इन अ वे कि आपको वो फैट नहीं करेगा, राइट? तो ऐसे आज मैं 15 फूड्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. तो नंबर वन है, बहुत शॉकिंग सा एक फूड है जो आप सुन के खुद भी हैरान रह जाओगे, जो कि मैं भी रह गई थी, वो है पॉपकॉर्न. वी ऑल लव पॉपकॉर्न्स, राइट? बट हम लोग वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है पॉपकॉर्न खाने से हम लोग मोटे हो जाएंगे. बट आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज मुझे भी यही सेम लगता था, तो मैं पॉपकॉर्न कभी नहीं खाती थी. लेकिन जब मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च किया एंड आई केम टू नो दैट पॉपकॉर्न विल नेवर मेक अस फैट, तो आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस कि मुझे इतना अच्छा लगा कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था. लेकिन एक शर्त है कि वो मतलब फ्राइड वाला, मतलब ऑयल, बटर, ये सब में मतलब शुगर डाला हुआ, ये सब नहीं होनी चाहिए. हाँ, थोड़ा सा आप सॉल्ट डाल सकते हो, वो भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा है. तो ड्राई पॉपकॉर्न जैसे बनता है, वो ऑयल बटर छोड़ के जो है वो आपको कभी फैट नहीं करेगा. तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए खुशी की न्यूज़ है. तो पॉपकॉर्न नंबर वन. नंबर टू है सैलरी. सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो आप के बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. इसमें आपको 95% ऑफ वाटर रहता है इसमें, तो ये आपके बॉडी को कभी नुकसान नहीं करेगा या आप फैट नहीं होगे. सैलरी आप जितना भी खा सकते हो खाओ, क्योंकि उसमें 95% वाटर ही होता है. सो डोंट वरी एंड ईट एज मच यू लव टू ईट सैलरी, राइट? नंबर थ्री है एक प्लांट या ब्रिंजल या बैंगन जिसको हम लोग बोलते हैं. वो हालांकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, पर्सनली आई डोंट लाइक एक प्लांट, लेकिन इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आपको एक प्लांट पसंद है तो आप उसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी आप खा सकते हो. ये आपको कभी मतलब फैट नहीं करेगा. ऊपर से इसमें इट कंटेन्स विटामिन सी, B2, PP एंड कैरोटीन. इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर ब्लड. अच्छा, न्यूट्रलाइज मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी इन फैक्ट. या तो आप देख सकते हो कि एक बैंगन, जो कि हम आई एम श्योर कि बहुत जन को मेरी तरह ही पसंद नहीं होगा, लेकिन ये कितना फ़ायदा करता है आपके बॉडी के लिए, इतना अच्छा है. तो मैं भी ट्राई करूँगी अगर मैं आज से ये खा पाऊँ. तो आप लोग जो खाते हो, वेल एंड गुड, आप ये कितना मर्जी आप खाओ, आपको ये फैट नहीं करेगा. नंबर फोर पे ऑरेंजेस. आई लव ऑरेंजेस. तो ये हम लोग सबको भी पता है कि ऑरेंज हम लोग के हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए इतना अच्छा होता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, तो इसमें फाइबर बहुत अच्छे से रहता है, फ्लेवोनॉइड्स रहता है, और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है. तो ये आप जितना भी खाओ आपको फैट नहीं करेगा, तो ये एक अच्छी पॉइंट है. नंबर फाइव में है मेलन्स एंड वाटरमेलन्स. हम लोग सभी को पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि गर्मी के लिए वाटरमेलन्स कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें भी 95% वाटर कंटेंट होता है. तो ये आपको इनफैक्ट वेट लॉस में मदद करता है. मेलन्स एंड वाटरमेलन्स आपकी वेट लॉस प्रोसीड्योर में अगर आप मेलन्स वाटरमेलन्स ऐड करते हो, तो आपके जो मतलब वेट लॉस की जो जर्नी है वो बहुत आसान कर देता है ये फ्रूट्स जो है, मेलन्स या वाटरमेलन्स. तो आप बेझिझक आप जितना मर्जी आप इसको खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, डेली डाइट में रख सकते हो, ये आपको फ़ायदा करेगा, कोई नुकसान तो करेगा ही नहीं, और वेट लॉस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. नंबर सिक्स पे है जुकीनी. जुकीनी एक वेजिटेबल है, ये हम सबको पता है, और ये बहुत अच्छा होता है आपके मतलब बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए. इसमें बस एक पोर्शन पे 42 कैलोरीज होते हैं, किलो कैलोरी, मतलब KCAL 42. तो ये आपके बॉडी को फैट नहीं करता है और ये अच्छा होता है. तो नंबर सिक्स पे हो गया जुकीनी. एंड नंबर सेवन पे है क्यूकम्बर.
ये तो मैं हमेशा ही जब भी कोई वेट लॉस वाली वीडियोस में बनाती हूँ, क्यूकम्बर और वाटरमेलन इसको तो मैं ऐड करती ही हूँ। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको बताया है कि कितने फ़ायदे करते हैं ये हमारे बॉडी के लिए, कितना अच्छा होता है वेट लॉस में, कितना हेल्प करता है। तो क्यूकम्बर आप आराम से अच्छे से ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 8 नंबर पर आता है बीटरूट। बीटरूट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है मैग्नीशियम का, तो बीटरूट आपके हेल्थ के लिए एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि मैग्नीशियम हम मतलब हमको हर एक चीज़ से नहीं मिलता है, मतलब बहुत लिमिटेड हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अवेलेबल है जो हम लोग इंटेक करते हैं, उसमें मैग्नीशियम है। तो बीटरूट एक बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, और ये आपको फैट करता भी नहीं है। हालांकि ये टेस्ट में थोड़ा सा स्वीट है, लेकिन ये आपके आपके मतलब फैट गेन में कोई इसका हाथ नहीं है, और ये आप जितना भी लोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप मोटे हो जाओगे, और ये इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं होगा तो दूर की बात है, आपको इनफैक्ट ये हेल्प करता है फैट लॉस के लिए, ठीक है। एंड ब्लड शुगर लेवल को भी ये अच्छे से कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें मतलब एक एवरेज पोर्शन में आपको 40 kcal मिलता है एक मतलब वन पोर्शन इसके सर्विंग बोल में। तो ये आप आराम से ले सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन और कोई डर के। और 9 पे है, जो वी ऑल नो कि एग्स कितने मतलब हेल्पफुल होते हैं हमारे वेट लॉस में भी, एग डाइट प्लान वगैरह हम लोग काफ़ी सारे फॉलो कर चुके हैं, लेकिन शर्त है कि वो हार्ड बॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल डाल के हम लोगों ने ऑमलेट बना लिया टेस्टी वाला तो वो वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बॉयल्ड एग खाते हो तो उसमें आपको एक बॉयल्ड एग में 80 kcal आपको मिलता है, 80 कैलोरीज, जो आपके मतलब बॉडी के लिए जो ज़रूरी होता है प्रोटीन्स वगैरह वो एक आपको प्रोवाइड करता है। और आप इसको जितना मर्ज़ी खा सको, मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप दिन में आप 50 एग खा लोगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा, लेकिन हाँ एग आप अगर थोड़े से सोच समझ के अच्छे से मतलब सुबह शाम जिस तरह से हम लोग गाइड करते हैं आप लोगों को, मैं एक डाइट प्लान भी बहुत जल्दी आपको मैं वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर, मैं इसलिए मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ उसमें, बस आपको ये बोल रही हूँ कि एक हार्ड बॉयल एग भी आपके मतलब फैट कॉज नहीं करता है। तो 10 पे है माई मोस्ट फेवरेट फ्रूट, इट्स पाइनएप्पल। ये भी हम लोगों बहुत जन को पता है कि पाइनएप्पल हमारे वेट लॉस के लिए कितना इफेक्टिव है। हम लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा वो सजेस्ट करते हैं कि फ्रूट में आप पाइनएप्पल रोज़ लो। अगर आप रोज़ पाइनएप्पल लेते हो या पाइनएप्पल जूस लेते हो, आपको बहुत बहुत ही हेल्प करता है वो फैट बर्न करने के लिए। तो ये हो गया, क्योंकि इसके एक स्लाइस में 30 kcal है, एक स्लाइस पाइनएप्पल में बस 30 कैलोरी आपको मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है और टेस्टी भी है, इनफैक्ट यम्मी। जोक्स अपार्ट, एंड 11 पे आ रहा है एप्पल्स एंड प्लम्स। एप्पल प्लम्स ये सब भी आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्प करता है, और आप इसको जितना भी खाओगे आपको फैट होने के लिए टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। एक एप्पल में आपको 50 kcal मिलता है। प्लम्स रिच इन विटामिन सी एंड पोटेशियम, जो आपके हार्ट एंड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्लम्स अगर आप आपके फूड मतलब फूड हैबिट में इंक्लूड करते हो सो नथिंग लाइक इट। एनीवे, तो 12 पे आता है स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैक करंट्स, जितने सारे बेरीज हैं ये तो मतलब खाने में डिलीशियस है ही, और ये आपके बॉडी के लिए आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इंक्लूड एनी काइंड ऑफ बेरीज, आपको जो भी तरह के बेरीज पसंद है। हालांकि हमारे इंडिया में उतने सारे वेराइटीज़ नहीं मिलते हैं, उतने सारे वेराइटीज़ अवेलेबल उतना नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सो गो एंड ग्रैब इट। ये टेस्टी भी होती है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी भी है। उसके बाद है कैबेज, ब्रोकलीज एंड कॉलीफ्लावर। ये आप जितना भी खाओगे आपको फैट की टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, लेकिन
एक मतलब सजेशन है थायराइड पेशेंट्स के लिए. थायराइड पेशेंट्स जो है उन लोगों को ये फूड नहीं लेना चाहिए, मतलब कैबेज हो गया, ब्रोकली या कॉलीफ्लावर, ये सब थायराइड पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए. तो मैं सजेस्ट करूँगी जो लोग थायराइड पेशेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो ये मतलब अपने डेली लाइफ में, डेली डाइट में इंक्लूड ना करें. नंबर 14 है सलाद. सलाद आप जितने मर्जी आप जो दिन भर में खाओ आपको कोई टेंशन नहीं है. आप फ्रूट सलाद बना के खाओ या वेजिटेबल सलाद बना के खाओ, ऑफ कोर्स उसमें भर भर के मेयोनीज या फैट वाले ड्रेसिंग नहीं डाल के, मतलब जो नॉर्मल ड्रेसिंग्स होते हैं ऑलिव ऑयल या नींबू, इस तरह से हम लोग जो क्लियर ड्रेसिंग बना के घर पे जो जैसे खाते हैं वैसे ड्रेसिंग के साथ आप सलाद ईट एज मच एज यू लाइक एज यू वांट टू, आपको फैट होने के टेंशन नहीं होंगे. और लास्ट एंड अगेन माय फेवरेट वेजिटेबल है कैरेट. कैरेट इज़ आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे फ़ायदे हैं कैरेट पे और कैरेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं. और आप अगर कैरेट जूस रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो आई एम श्योर कि आप कुछ ही दिन में आप एक बहुत विजिबल वेट लॉस कर जाओगे. टेक माय वर्ड, मैंने ये खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है. मैं मतलब एक टाइम में रेगुलर कैरेट और बीट रूट के जूस मैं आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग, तो मुझमें बहुत ही विजिबल एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया था. और बहुत हेल्दी है, आपके स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपके हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और आप बहुत जल्दी फैट लॉस कर पाओगे. तो या दिस इज़ अ वीडियो 15 फूड्स दैट विल नेवर मेक यू फैट. और ये अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, कोई टेंशन बगैर इन्हें टेंशन आप अच्छे से खाओ पियो, 15 चीज़ बहुत होते हैं 24 घंटे के लिए. तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो थम्स अप, लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. और एक बेल बटन है उसको आप क्लिक कर दो ताकि मैं कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए. आई नीड योर लव एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू.